ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बड़ा खुलासा। एनएचएआई ने पंत के दावों को किया खारिज। उत्तराखंड सरकार, एनएचएआई के अलग अलग बयान। कार हादसे में घायल हुए भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का जहां एक तरफ देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ इसे लेकर भी बहस चल रही है, क्योंकि अभी तक अलग अलग बयान और नई नई जानकारियों का खुलासा हो रहा है। एक्सीडेंट के बाद सबसे पहला बयान ऋषभ पंत का सामने आया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि नींद की झपकी आने की वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था। हालांकि बाद में पंत और डीडीसीए के अधिकारियों ने कहा था कि सड़क पर गड्ढा आ गया था, जिससे बचने की कोशिश में ऋषभ की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बयान का खंडन किया है। एनएचएआई ने सोमवार को बताया कि जिस सड़क पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, वहां कोई गड्ढा था ही नहीं। आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषभ पंत से अस्पताल में मुलाकात की थी। इसके बाद धामी ने भी गड्ढे वाली थ्योरी की ही बात की थी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ऋषभ पंत ने बातचीत में बताया कि सड़क पर कोई गड्ढा जैसी चीज आ गई थी, जिससे बचाव के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। धामी के इस बयान के बाद अब एनएचएआई ने अपनी बात रखी है। एनएचएआई रुड़की डिवीजन के परियोजना निदेशक प्रदीप सिंह गोसाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था। जिस सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वो राजमार्ग से सटी एक नहर के कारण थोड़ी संकरी है। इस नहर का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि हमने कोई गड्ढे नहीं भरे हैं, लेकिन जो हाईवे पर डैमेज हुआ उसे ठीक किया गया है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सड़क सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आगे नहर की वजह से सड़क पतली हो जाती है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के सामने लगातार इस बात को उठाया गया है। गौरतलब है कि 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त वो दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसमें पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऋषभ की कलाई, कमर, घुटने और सिर पर चोट आई है। फिलहाल उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी ऋषभ पंत पर नजर बनाए हुए है और कुछ रिपोर्ट्स के आने के बाद उन्हें शिफ्ट करने पर फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस चोट की वजह से पंत करीब 6 महीने तक के लिए क्रिकेट मैदान से दूर हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।